किसानी भी थे, इंडियन भी बहुत थे। तो इंडियन का मैं इसलिए ये बोलती हूँ कि मतलब वो एक और कंट्री है जिन पर अभी बहुत सारे लोग आपस में लड़ते हैं, ये है वो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब एक जैसे हैं, सब एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, सब एक दूसरे को। फैमिली वॉचेस ऑल योर ब्लॉग्स, स्पेशली माई ब्रदर, ही इज फ्रॉम लाइक फ्रॉम पुणे। अच्छा, एंड ही इज अ बिग फैन ऑफ योर्स। थैंक यू। सबसे पहले हम इस जिन बाबा को तैयार करते हैं। यहाँ पर जब से आई है ना, ये दुबई की चॉकलेट इतना खाती है, चॉकलेट वाली चीजें, अभी चॉकलेट वाले बिस्किट। तैयबा को भी यहाँ की चॉकलेट बहुत अच्छी लगी और तैयबा तो रेडी हो गई है, अब इसकी तैयारी कराते हैं। तैयबा की पिंस कितनी प्यारी लग रही है और तैयबा ने ये अपनी ड्रेस के साथ मैच की है, बिल्कुल परफेक्ट मैचिंग हो गई है, प्यारी लग रही है। आज दोनों के ड्रेस भी सेम हो गए। ये वाला ड्रेस जो है ना, मैंने इनका पाकिस्तान से दोनों का एक जैसा लिया था। सो के उठती है ना, ऐसे लगता है जैसे सदियों से इसने अपने बालों में ब्रश नहीं किया। आयत के आज ना ये वाले व्हाइट शूज निकाले हैं, आयत को ये वाला जो है ना गिफ्ट मिला, तो ये इस ड्रेस के साथ बहुत प्यारा भी लगेगा। और पिंक तो इसमें बहुत, ये वाला एक पिंक नहीं, ये वाला ज्यादा मैच हो रहा है, लेकिन ये ना दो है ना, हाँ एक व्हाइट और पिंक, ये वाला अच्छा लगेगा ना, कैट पे बहुत ज्यादा क्यूट भी लगे। तो ये वाले शूज तो बहुत प्यारे लग रहे हैं, है ना दैट इज ग्रेट। व्हाइट शूज इस पे बहुत सूट करेंगे। अब खड़ी हो, लुकिंग हैंडसम, वाओ। आजकल बाबर दिल भर बहुत इंग्लिश। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, ये तो इंग्लिश सीख गई है। चलो अभी आयत अपनी ड्रेस चेक कर रही है इसमें कि मैं कैसी लग रही हूँ। बहुत प्यारी लग रही हो, सब कुछ चेक कर रही है मैं भी। यहाँ पर देखें, दिलबर भी तैयार होकर आ गया है। दिलबर ने तो आज मैंने यहाँ शॉपिंग की है और आज वही ड्रेस पहनी। पूरा ड्रेसिंग जो इसने किया ना, ये दुबई की शॉपिंग की, ये दुबई की शर्ट, यहाँ के इसने ट्राउजर, आई लव दुबई। यहाँ पर मेरे हस्बैंड देखे अपने कपड़े इस्त्री कर रहे हैं, मैंने कहा मैं जल्दी से बच्चों को तैयार करा लेती हूँ। संपत्ति हो रही है। अच्छा। नहीं इन्होंने, मैं अपने कपड़े ना, ये अपने जब तक मैं खुद ना करूँ ना मुझे मजा नहीं आता, ये अपने कपड़े खुद ही कर। हाँ, फिर दिल पर बाबर भी अब आ जाए करेंगे, उनके भी करना। इन्होंने जो है ना मुझे ये दुपट्टा मेरा इस्त्री करके दी। बाबर दिलबर ने इतना जल्दी लगाई है, मैंने कपड़े तो चेंज कर लिए और जल्दी जल्दी से मैंने कहा मैं अपने बाल थोड़ा स्ट्रेट कर। आपके बैग के पास आ गई है। Give me my bag. I will open. आए तो आज देखने जा रही है बुर्ज खलीफा और बहुत ही क्यूट बन के जा रही है। तो साथ साथ यहाँ पर मेरे हस्बैंड सब तैयार हो गए हैं बाबर को देखे। आज बाबर और दिलबर ने दुबई से यहाँ से शॉपिंग की है अपने लिए किया और मजे से देखो बैठे, शूज चेंज, सब कुछ चेंज, कैप भी लिए। हाँ, बाकी और भी शॉपिंग की या सिर्फ यही की है? बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया, तो मजे हैं। मैं पाकिस्तान से ही लेकर आ गई हूँ सबको, यहाँ पे भी वैसे अच्छा मिलता है। अच्छा, एक जगह पे गए, वहाँ पे लिखा था एक रियाल की मार्केट, एक दिरहम का। हाँ हाँ हाँ, एक दिरहम, दिरहम। हाँ। तो वहाँ पे जो ना मतलब 7-8 दिरहम से शुरुआत थी, 15 तक एंड था, मतलब 15 दिरहम के अंदर भी अच्छा कुछ मिल जाता है, जो बड़ी चीज है 15 दिरहम की। चलो फिर कल इंशाल्लाह हम भी 15 दिरहम वाली मार्केट में जाएंगे। और मेरा मेकअप वो सब कुछ मेरा खराब करती है इस लड़की ने, ये लड़की हमेशा मेरा मेकअप खराब करती है। मामी नो, इसने इसका नाम ही रख दिया मामी नो। मामी नो है, हाँ, इसको एक दो दफा इसने मामी नो बोला है, बाबर ने इसका नाम बना दिया मामी नो। लोग भी बदल कर बोलते मामी नो, मामी नो। और ये मेरा ड्रेस है जो आज मैं पहनने वाली हूँ। एक तो मुझे इसका कलर बहुत पसंद था, दूसरा जो है ना इसका काम मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा है, ये दुपट्टे की वजह से मैंने सूट लिया। हाथ जोड़ रहे, बस अभी हम तैयार हैं, अभी चलने वाले हैं। नहीं चल रही हूँ, बस मैंने कहा थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि ये ड्रेस जो है ना मैंने एक शॉपर साथ में रखा हुआ है इस कॉर्नर का, कि मैं ड्रेस उनके पहनती हूँ साथ साथ। फिर हर किसी के मैसेज आते हैं कि आपने बताया नहीं कहाँ से लें, तो यहाँ से आप ले सकते हो, इनके ड्रेस बहुत अच्छे हैं और आजकल मैं सारे इस कॉर्नर के ही पहन रही हूँ। खराब कर दिया ना, मेकअप किए अपना, मेकअप कर रही थी। आयत मेकअप आर्टिस्ट बनेगी, हम इसको इंशाल्लाह पायलट बनाएंगे ताकि हमें ले जाए। हाँ, पायलट बनेगी ये। गुड गुड, इसने भी वॉच ले ली। भाई वाह, ये तो जाते हैं सुबह सारी मार्केट घूम के आते हैं। वो ना मेरी जो वॉच पाकिस्तान में ली थी ना, वो खराब हो गई है, पर अच्छी मिली है ना।
हाँ यहाँ ठीक है, मतलब जो चीज वो हमने वहाँ ली थी वो चीज तो नहीं है, लेकिन इसके डिफरेंट है उसके डिफरेंट है, मतलब यहाँ पे अच्छा मिला है ना, दुबई की भी है, फिर निशानी भी है। हाँ अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जो है ना, इतने दिनों से मैं डार्क शेड पहन रही थी, आज मैंने सोचा कि लाइट पहनती हूँ, आज ये थोड़ा कलर भी अच्छा लग रहा है। हाँ तो वो नीचे टैक्सी लेने के लिए जा रहे हैं, अभी बस हम निकल रहे हैं। तो आज हम फाइनली जा रहे हैं बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल बुर्ज खलीफा एक साथ ही है मतलब, लेकिन हमें कल मोबाइल की टेंशन थी, हम वापस आ गए और उसमें दुबई मॉल में जो मैं घूमी हूँ वहाँ का जो एक्सपीरियंस था जो कुछ था उसके सारे क्लिप हमारे उसी मोबाइल में ही रह गए। मतलब वहाँ पर मैं एक एक चीज़ बता रही थी, जो मेरा फ्रंट का जो मैं आपसे बातें करती हूँ वो दूसरे मोबाइल में ही था, तो मैं चला गया। तो अभी बस निकलते हैं। इसके अलावा मुझे आज लिपस्टिक का ये वाला शेड बताएगा कि कैसा लग रहा है, क्योंकि आज ये मैंने पहली दफा ही लगाया है, मेरे ज्यादा रेड होते हैं, पिंक होते हैं, इस तरीके के होते हैं। और ये ड्रेस भी मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, इसका ना वो है लाइट पर्पल सा इसका शेड है, बहुत प्यारा सा कलर है इसका। दिलबर का भी नया सूट, सबके दुबई के, दुबई से घूम रहे हैं हमारे तो पाकिस्तानी, मुझे यहाँ पाकिस्तानी ड्रेस पहनने नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ना यहाँ सारे वेस्टर्न या वो दूसरे ड्रेस है ना, अगर कोई पाकिस्तानी पहन के जाते तो बहुत खुश होते हैं कि ये। मुझे भी पाकिस्तानी ड्रेस ही अच्छे लगते हैं, बस ये बच्चों के लिए सही है और लड़कों के लिए वाले सही है। तो ये रहा इसका दुपट्टा, जो की इस दुपट्टे की वजह से मैंने ये वाला ड्रेस लिया, इसका दुपट्टा मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं कैमरा से अच्छे से दिखा दूं, कहीं कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा, ठीक दिन की रोशनी में ज्यादा अच्छा लगता, पता चलता किसका कौन सा कलर है, अभी तो खैर रात हो गई है, रात में फिर ऐसे ही शेड आ रहा है, ये वाला कलर है। हाँ मतलब ये नहीं, ये थोड़ा सा ये वाला शेड है, ये वाला दोनों मिक्स है, दोनों मुझे लगता बना इसलिए, ये लेस देखो तेज है और वो लाइट है, तारा जे बन के जा रहे बन नहीं है, बस इसका नाम पक जाएगा मामिन। पीछे से कैप दिखाओ, इस पे क्या लिखा हुआ है, टी, इसके ऊपर लिखा है कि फोटो नहीं लेते, टीएमटी। चलो भाग, तैयार आ जाओ फिर लॉक करना है, जल्दी से आओ, बंद कर दो, शरारती गुड़िया पर लिखी ये भाग क्या, तो जल्दी से आ जल्दी से, बंद बंद मैं ना जल्दी आयत को पकड़ना, आयत को, टी भाई बहुत गुस्से में लग रहे हैं, टैक्सी आई हुई है क्या, आयत के शूज बहुत प्यारे लग रहे हैं, जी टैक्सी आ गई है और आ जाएंगे इसमें, चलो पीछे तीन सीटें तो हैं, पापा, माय मामा, माय पापा, माय मामा, माय मामा, माय मामा, माय मामा, अच्छा अच्छा आपकी हूँ, आपकी हूँ, बस माय मामा गो, माय मामा, माय पापा, माय पापा, My papa, my papa, my papa, my papa. सफर करती हूँ ना, यहाँ पर इतनी प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स है, मैं बस इन्हीं को चुप करके यहाँ से देखती रहती हूँ। मेट्रो का हमने एक पूरा व्लॉग बनाना, इतना दिल है कि मेट्रो पे जो है ना हम जाएं, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं रोज सोचते हैं मेट्रो का, मेट्रो का प्लान कर, मेरा बुर्ज खलीफा अभी हम यहाँ पे जाने वाले हैं। मम्मी अभी इससे भी और ऊपर जाना है, और भी ऊपर जाना है, बाय बाय मामी। फाइनली अभी हम ऊपर आ गए, पता नहीं फोर्थ फ्लोर है या फिफ्थ फ्लोर है, तो अभी हम दोबारा से दुबई मॉल में आ गए हैं। जगह सबसे ज्यादा प्यारी लग रही है, ये दुबई का नक्शा बना हुआ है ना, हाँ बुर्ज खलीफा भी बना हुआ है। दोबारा से दुबई मॉल आ गए हैं और सारा घूम रहे हैं, पता नहीं कौन से फ्लोर पर है जहाँ पर बुर्ज खलीफा और फाउंटेन जो शो होगा वो हमें देखने को मिलेगा, अभी तो घूम ही रहे हैं। हमें सुपरमैन मिल गए, इसके साथ तैयबा की बहुत प्यारी प्यारी पिक्चर्स आई हैं, साथ भी लेना, इसकी भी मूवी है ना तैयबा की भी है, इससे तो डर लगता है, ऐसी मूवी भी है इसकी, आ जाओ अब, चलो सही आ जाओ। वाओ ये वाली जगह देखो, आराम से कैमरा घुमा रही, मतलब पूरा इसमें जो है ना एक नक्शा बनाया है, पूरा दुबई का शहर बना दिए, सबसे टॉप में ये रहा बुर्ज खलीफा। ये ट्रैफिक है, ये लाइव चल रहा है, सब कुछ सारा कुछ लाइव चल रहा है, बहुत मजे की चीज है, मतलब बहुत प्यारा है, और यहाँ से जाने का ये वाला रास्ता कितना अच्छा है, तो अच्छा है, मतलब इतना अगर हम ऊपर आ भी गए हैं तो जो कल हमने नहीं घूमा था दुबई मॉल वो भी अभी घूम रहे हैं, बहुत मतलब इसमें इतनी इंटरेस्टिंग जगह है, इतनी प्यारी, मतलब आपको शॉपिंग के अलावा भी आप बच्चों के साथ यहाँ पर काफी इंजॉय कर सकते हो, बच्चों के यहाँ पर बहुत मजे की चीजें हैं, बड़े छोटे सब एंजॉय कर सकते हैं, बहुत प्यारी जगह है वैसे, पर एक मतलब इंटरेस्टिंग चीज है, अब ये देखो, अब इसमें पता नहीं क्या, ये सारी गेम्स हैं,
गेम्स है यहाँ पर। ये रहा बुर्ज खलीफा, एक दफा मैं इसको रुक के ना अच्छे से देख लूँ बुर्ज खलीफा को, सच में दुनिया इसके लिए पागल इसको देखने के लिए आती है। ये वाकई में यहाँ पर आओ ना, यहाँ पर देख के पता चलता है कि ये कितना प्यार। हाँ तो अभी जो है ना यहाँ पर म्यूजिक बंद हुआ है, तो अभी मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो ले लूँ। पहले तो हम इसको सिर्फ एंजॉय कर रहे थे। आपको देख के कैसा लग रहा है? अच्छा है ना, बहुत अच्छा ना, मतलब पहली दफा देखते कितना बड़ा हॉट है, आना चाहिए, बहुत प्यारा है बुर्ज खलीफा को देख के, मतलब कोई ख्वाब देख रहे हैं, जैसे ख्वाब में नहीं होते एक चांद सितारे ऐसी दुनिया होती है खूबसूरत सी, ये सेम वैसा लग रहा है। वीडियो है। जैसे हम वहाँ से एंटर हुए ना, यहाँ पर एक बड़ा सा हार्ट है, हार्ट के सामने ये बुर्ज खलीफा का व्यू और आई लव दुबई लिखा हुआ है, जहाँ पर हर कोई आकर यहाँ पर पिक्चर ले रहा है, पीछे साथ साथ बुर्ज खलीफा भी आ जाता है। मतलब बहुत एक सुकून की भी जगह है, एक बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट हो जाता है, बड़ों के लिए भी बहुत खूबसूरत जगह है, और बिल्कुल सामने इसके हर कोई चाय पी रहा है, खाना खा रहा है, वहाँ का जो व्यू है ना वो भी हर कोई एंजॉय कर रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ रोशनी में थोड़ा अच्छा आ रहा है, और एक दफा फिर से यहाँ बैक इस इधर से दिखाती हूँ बुर्ज खलीफा। ये रहा, इतना अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है मैं दुबई में जहाँ जहाँ पे भी गई हूँ, मतलब हर एक जगह पर अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है इससे यहाँ पर ज्यादा अच्छा लग रहा है ना। जरा बताओ फर्स्ट टाइम बुर्ज खलीफा देख के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा ना, ऐसे दिल करता है कि देखते रहें, मतलब दूर दूर से तो देखा, ऐसे करीब से ना बहुत प्यारा लग रहा है ना। सेशन काफी एंजॉय भी किया और काफी सारी पिक्चर वीडियोस भी निकाली, इस हार्ट के साथ मुझे लेना था, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है और इसके साथ पिक्चर्स भी बहुत अच्छी आई है। बाबर दिलबर सब आगे चले गए, मैं और बच्ची हम इधर रह गए, तो अभी हम भी आगे चलते। तो सबसे ज्यादा जो मतलब दिखने में प्यारा लगता है यहाँ के जो खजूर है ना, उनको ऐसे ही लाइटिंग से सजाया हुआ है, जो और बहुत प्यारे लगते हैं। इसके अलावा इस साइड का व्यू भी बहुत अच्छा है, ये सामने शायद होटल ही है, तो ये सामने तो बुर्ज खलीफा। सुनाओ दिलबर, इंजॉय कर रहे हो? अभी जो है ना हम बिल्कुल बुर्ज खलीफा के सामने आ चुके हैं। इसकी शाइनिंग कितना प्यारी है ना, मतलब बाकी अगर हम कोई भी बिल्डिंग्स देखें उनमें लाइटिंग ज्यादा है, लेकिन इसकी लाइटिंग ऐसी है ना अट्रैक्टिव सी है। आयत के लिए ना ऐसा स्ट्रॉलर लेते हैं, आयत ना बहुत थक जाती है चल चल के, और आप सबके कमेंट भी आ रहे थे, आज वापसी पे लेके जाएंगे। और इसके अंदर भी हमने इंशाल्लाह जाना है, ऊपर टॉप पर जाना है, स्टार्ट हो गया। चलो डन हो गया, खत्म हो गया, बहुत तैयबा एंजॉय किया, एंजॉय किया। तो यहाँ पर ऊपर से देखें, यहाँ पर नीचे इतनी ज्यादा पब्लिक है ना, सब यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, और बस ये खत्म हो गया, हर आधे घंटे बाद ये स्टार्ट होता है। हाँ आइसक्रीम चाहिए इसको, आपको भी चाहिए? Yes, I enjoy my life lot. मतलब बहुत ज्यादा मैंने भी इंजॉय किया, सबने बहुत ज्यादा इंजॉय किया, मतलब लाइफ के जैसे कोई ना बेस्ट मोमेंट होते हैं ना, वो हमारे चल रहे हैं, लाइफ के जैसे बेस्ट मोमेंट नहीं चल रहे होते, लाइफ के मजे, मैं बोलता हूँ मजे। तो बोलते ना मैं पाकिस्तान में बहुत मजा आ रही है, दिल गड़ गड़ हो रही है, तो वही सीन हो रही है, वही हो रहा है बहुत ज्यादा, मतलब सच में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है दुबई में, और मैंने सोचा भी नहीं था कि दुबई इतना प्यारा भी हो सकता है। इसके नीचे भी देखो नीला नीला, वो रहे आपके पापा, तो आगे चलो हम इधर ही रह जाएंगे, वरना वहाँ से भी वैसे व्यू प्यारा है, जिस साइड पे भी कैमरा घुमाओ ना बुर्ज खलीफा इस साइड पर है, इस साइड पे भी देखें कितना प्यारा व्यू है। दुबई में हर एक चीज खूबसूरत है, तो मतलब उस हिसाब से हर एक चीज, गाड़ियाँ देख लो ना, गाड़ी भी एक से एक खूबसूरत है, इस तरह की तो यहाँ पर बहुत दिखती है, और मुस्तफ़ा ने मिस कर दिया ये सब, मुस्तफ़ा होता ना उससे ऐसी गाड़ियाँ देखना मतलब बहुत शौक है। इसमें से मैं सोच रही हूँ एक गाड़ी ले चलें, पार्सल अच्छा है, बुक करा लेते हैं ना एक कार, ये वाला कलर कितना, फिर वो देखो वो फरारी है,
यहाँ तो एक पे एक खूबसूरत गाड़ी है सच में, और इसका कलर बहुत अट्रैक्टिव है, लैम्बोर्गिनी। ये इसका नाम लिखा हुआ है, कितना प्यारा है ना, कलर भी बहुत अट्रैक्टिव है, डिजाइन भी बहुत प्यारा है। ये भी एक मेन हिस्सा है दुबई मॉल का, यहाँ जगह को जरूर देख के जाता है जी। हाँ दूसरी साइड से भी है आए। इस साइड पे भी सबने अपनी अपनी पिक्चर्स ले लिए, वीडियोस भी बना ली। और यहाँ से नीचे आते यहाँ पर देखें बर्तन, मुझे तो मतलब सबसे फेवरेट मेरी जगह वहाँ पर होते हैं जहाँ पर किचन की चीजें हों, डेकोरेशन की हों, तो इतना प्यारा है ना यहाँ पर सब कुछ। इतनी शाइनिंग है ना इस ज्वेलरी में, ऐसे लगता है कि ना इसको एक दफा खरीद लो इनकी शाइनिंग कभी नहीं जाएगी। ज्वेलरी की शाइनिंग चेक करें, यहाँ इयर रिंग्स की शाइनिंग कितना ज्यादा। सही बात, ये देखो मैजिक हो रहा है, ये मैजिक की दुनिया है, इसकी शॉप है, यहाँ पर डेकोरेशन स्वीट सब कुछ है। ये इसके कलर कितने ज्यादा हैं। कई बार जहाँ पे भी चली जाए इसे सिर्फ चॉकलेट वाला ही अच्छा लगता है, मजे का है। और हमारा ये रेनबो, ये बहुत मजे का है। कैसा लगा तैयबा को केक? मजे का था, तभी तो तैयबा ने देखो फिनिश भी कर लिया। चलेंगे ना, ये हजम हो जाएगा जो हमने खाया। कितना खूबसूरत है सब कुछ, बहुत खूबसूरत। बस ये लेके जा नहीं सकते, बस यहाँ से देख के ही सब कुछ खूबसूरत लग रहा है। भूख लग रही है और कहीं चलकर अब खाना खाते हैं। तो ये रास्ता है अभी यहाँ से बाहर निकलने का। तो टैक्सी से सीधा देखें हम कहाँ पर आ गए हैं, कराची ग्रिल। और ये भी पाकिस्तान का, कराची का ही रेस्टोरेंट है। ये अच्छा, यहाँ पर हमें पाकिस्तानी खाने ही अच्छे लगते हैं। एक बार मैंने इंडियन खाना खाया वो भी बहुत अच्छा था, और ये कराची ग्रिल हो गया यहाँ। तो ये अंदर से कुछ इस तरीके का है, बहुत ही प्यारा है ना लाइटिंग से। जूस आ गया, कराची के खानों की खुशबू आ रही है ना, है ना, नाम भी कराची ग्रिल है। और यहाँ पर ये देखे सबसे पहले हमारे पास जूस आ गया। लोग भी बहुत प्यारे हैं, और खास करके आपसे मिलके बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लगा। मैं तो पूरी रात सो ही नहीं पाई थी, हस्बैंड को वही कह रही हूँ, इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ, मुझे नींद ही नहीं आ रही। अच्छा, नहीं नहीं मुझे खुद भी सच में, आप पूरी फैमिली आपकी बहुत नाइस है, और बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। जिंदगी रही तो आगे मिलेंगे इंशाल्लाह। तो खाना जो है ना हमने ऑर्डर कर दिया, थोड़ा सा टाइम रहता था, हमने कहा कि यहाँ पर पिक्चर्स अच्छी आ जाएंगी, पिक्चर ले लेते हैं, बस चलते हैं अंदर। बाहर से ये देखें होटल इस तरह का है, और इन्होंने खुद हमें कहा है कि आप यहाँ पर पिक्चर्स लो, ताकि हमारा जो पीछे लोगो है ना कराची ग्रिल वो भी आना चाहिए। इसके साथ पिक्चर लूँ आपकी? बस पिक्चर आ गई, बहुत अच्छी आई है। चलो अभी खाना भी आ गया, खाने का हम ऑर्डर दे के गए थे, खाना आ गया लेने में, खाना सारा आ भी गया है। चलो अभी बताओ क्या बोल रहे थे, पिक्चर ले लिए? हाँ फिर पीछे, हाँ खाना नहीं बचता, खत्म हो जाता। तो ये तैयबा ने अपने लिए ऑर्डर किया है, तैयबा तो हमेशा की तरह, हाँ बिरयानी वाला रोल है ये, पूरी रोटी ऊपर से पैक किया हुआ है इसको, इस डिश का हमेशा बाबर ना वो करता है, फेस रिवील करता है डिश की, ऐसे ऊपर से ये हटा के। आज बाबर का काम मैंने आसान कर दिया। ठीक है, रहा था ये सालन है शायद, पैक हुआ हुआ था ना ऐसे रोटी से ऊपर, हैदराबादी हांडी, महाराजा हांडी आपकी तरफ आ गई है। सही है, इधर हमारी तरफ वो हैदराबादी और अपनी तरफ महाराजा वाली रखी है। ये सही, ये चीज पराठा है क्या? चीज पराठा है। मैंने अपने लिए बिरयानी निकाल ली है, साथ में ये रायता हो गया, और बिरयानी की खुशबू जो है ना बहुत मजे की आ रही। सब्सक्राइबर मिली है। आपका नाम क्या है? हिबा पटेल। हिबा पटेल, एक्चुअली माय फुल फैमिली वॉचेस ऑल योर ब्लॉग्स, स्पेशली माय ब्रदर, ही इज फ्रॉम लाइक फ्रॉम पुणे। अच्छा, एंड ही इज अ बिग फैन ऑफ योर्स। थैंक यू सो मच हमजा, अगर आप मुझे देख रहे हैं तो, वैसे तो देखते हैं लेकिन थैंक यू सो मच। एंड वी लव योर होल फैमिली, पूरी फैमिली का थैंक यू सो मच दिल से, बहुत बहुत अच्छा लगता है भैया, और बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। भी आप यहाँ घूमने फिरने आए हुए? हाँ एक्चुअली वी आर ऑन वेकेशन। अच्छा सही है, मासी। ओके ओके, बाय बाय। महाराजा चिकन हांडी, और अभी हमने ये दूसरा सा हैदराबादी हांडी हो गई, और ये महाराजा वाली हो गई। तो सबने खाना खा लिया, और अभी यहाँ पर हट के अपने हैंड वॉश कर रहे हैं। हैंड वॉश का तरीका कितना अच्छा है ना। अच्छा ना ये लगा।
अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर सबने खाना खा लिया, बस एक तैयबा ने नहीं सही से खाए और दूसरा आयत तो हमारी रास्ते में सो गई थी। के बाद देखिए हमारी चाय आ गई है, पाकिस्तानी चाय जो आपको यहाँ दुबई में भी मिलेगी। थैंक यू सो मच, आपके यहाँ का खाना बहुत अच्छा था। और आप पाकिस्तान से ही हो, आपका नाम क्या है? शब्बीर हुसैन। और इंशाल्लाह मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी फैमिली आपको देख रही होगी। आपका नाम क्या है? बाबर नाम है। बाबर तो हमारे साथ भी घूम रहे हैं फैसलाबाद से। आपको पता है कि ना, हाँ आपकी फैमिली जरूर देख रही होगी आपको। इंडिया से मुझे बहुत ज्यादा लोग देखते हैं, तो मतलब आधे से ज्यादा हूँ मैं पाकिस्तानी, लेकिन इंडियन मुझे ज्यादा देखते हैं। तो आप भी इंडिया से ही हो? क्या नाम है आपका? थयूब। से इंडिया में कहाँ से? चेन्नई से। अच्छा सही है आपको भी कोई ना कोई देख रहा होगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू आप सबका, बहुत अच्छे हैं सब। अल्लाह हाफिज। अच्छा खाना यहाँ से हमने खा लिया और यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, पाकिस्तान की याद दिला दी। तो फाइनली थक हार के हम अपने रूम में पहुँच गए हैं और आयत जो है ना अब जाकर एक्टिव होती है जब हम खाना खा के सब हर जगह से घूम फिर के आ जाते। तो आयत ने कुछ खाया? कुछ भी नहीं खाया मेरी बीबी ने। क्या हुआ मोमो, किस बात की खुशी है? बलून लाइट वाला आयत। हाँ डार्क वाला मेरे। आयत, आयत का गिफ्ट आयत का हो गया और ये रहा तैयबा का गिफ्ट। तैयबा के तो यहाँ मजे हो गए हैं, डेली अनबॉक्सिंग करती है, क्योंकि वो है नहीं इसलिए उसे। अच्छा हाँ वो साथ नहीं है इसलिए उसको नहीं मिले। तैयबा साथ ही तो तैयबा को तो बहुत गिफ्ट मिल रहे हैं। पसंद है ये? पसंद है फ्रोजिन जी। मम्मा खोल के दूं आपका? क्या है दिखाओ। वाह ये तो सच में बहुत प्यारा है। आयत का क्या आ गया? आयत का टेलीफोन है। ये लो आयत का इतना प्यारा गिफ्ट आ गया। तैयबा का भी बहुत प्यारा है और आयत का भी बहुत प्यारा। चलो बच्चों को तो मिल गए अपने गिफ्ट और आयत तो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही है। कार्ड मशीन है मेरे ख्याल से, इसमें देखो इसके पैसे भी आ गए, इसमें इसका कार्ड भी आ गया, मिल गए। वो अपना खुश हैं और जैसे हम दुबई को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, कभी कभार ऐसे होता है कि बड़े बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और साथ में बच्चे बोर हो जाते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ जितना मैं एंजॉय कर रही हूँ मुझसे ज्यादा मेरे बच्चे यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर हम सब बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस आज का व्लॉग मैं इधर ही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का पसंद आया होगा। बुर्ज खलीफा गए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब एंजॉय किया हम सब ने। इसके अलावा फिर हम खाने पे गए तो वहाँ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था, वहाँ का जो स्टाफ था वो इतना अच्छा था। उसके बाद मतलब यहाँ पर इंडियन फैमिलीज मुझे बहुत ज़्यादा मिल रही हैं और इतना प्यार दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, मतलब पाकिस्तानी फैमिलीज भी मिल रही हैं, ऐसा नहीं है सारे इंडियन, मैं ये कह रही हूँ कि ज़्यादा यहाँ पर मुझे जितना भी मिले हैं पाकिस्तानी भी थे इंडियन भी बहुत थे। तो इंडियन का मैं इसलिए ये बोलती हूँ कि मतलब वो एक और कंट्री है जिन पर अभी बहुत सारे लोग आपस में लड़ते हैं, ये है वो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब एक जैसे हैं, सब एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, सब एक दूसरे को बहुत प्यार देते हैं, जिसका मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हम सबको ऐसे मिलजुल के रहना चाहिए। तो थैंक यू सो मच आप सबका। इसके अलावा जो मेरी ड्रेसिंग्स का पूछ रहे थे तो मैं साथ साथ डेली साथ में इनको मेंशन कर रही हूँ कि ये मेरे जो भी ड्रेस मैं वहाँ से पाकिस्तान से लाई हूँ ये सारे AS कॉर्नर के हैं जो कि कराची में इनकी शॉप है। साथ साथ इनका नंबर भी मेंशन कर रही हूँ। तो सच पूछे ना मैंने J.Dot के भी पहने, मुझे J.Dot से भी ज़्यादा जो है ना AS कॉर्नर के अच्छे लगते हैं। इनका जो दुपट्टा होता है ना साथ में इतना एक खूबसूरती उनकी बढ़ा देता है, दुपट्टे इनके बहुत खूबसूरत होते हैं। ये भी बहुत शोर भी कर रही है, तो अगर किसी को लेना हो ना तो मैंने मेंशन कर दिया वहाँ पर, वहाँ से जाकर आप ज़रूर ले सकते हो। तो अपना व्लॉग एंड करती हूँ, इंशाल्लाह कल एक नए और किसी अच्छी जगह पर जाएंगे। अच्छा कल फिर मिलती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।